अ फंक्शन इज डिक्लेयर्ड यूजिंग सूडो कोड, और उसके अंदर फिर उसने फंक्शन हमारा डिफाइन किया हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है। जो भी फंक्शन है वो फंक्शन के कीवर्ड से स्टार्ट होता है और उसके एंड में एंड फंक्शन लिखा होता है। तो बेसिकली वो यहाँ पे पूछ रहा है कि टेक वन बॉक्स विच एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द यूज ऑफ वेरिएबल इंचेस, कि ये जो इंचेस यहाँ पे लिखा हुआ है ये बेसिकली एक वेरिएबल है, और आप इसको इनमें से क्या कह सकते हैं, क्या ये आंसर है, क्या ये कॉल है, क्या ये पैरामीटर है, क्या ये रिस्पॉन्स है, बेसिकली ये पैरामीटर है। चलिए इसको ज़रा देख लेते हैं। देखिए ये जो हमारा फंक्शन है ये फंक्शन के कीवर्ड से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारे फंक्शन का नाम है या इसका आइडेंटिफायर है, ये फंक्शन का आइडेंटिफायर है या आप कह सकते हैं ये इस फंक्शन का नाम है। और ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज लिखी होती है, ये जो वेरिएबल होता है इसको हम पैरामीटर कहते हैं। तो हमारे पास इस फंक्शन को एक पैरामीटर जो है वो मिल रहा है, ब्रैकेट के अंदर इसको एक पैरामीटर पास हो रहा है। और फंक्शन की एक खास निशानी ये है कि फंक्शन हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आपको जब भी एग्जाम के अंदर फंक्शन लिखा नजर आएगा उसमें ये रिटर्न का लफ्ज जरूर होगा, ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो बेसिकली ये जो वेरिएबल इंचेस के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको 2.4 से मल्टीप्लाई करेगा और वो वैल्यू समहाउ रिटर्न कर देगा। तो एक तो ये हमारे फंक्शन की डेफिनेशन होगी। अगर हम एक प्रोसीजर देखें तो अब हमारा प्रोसीजर देखें वो भी यही काम कर रहा है, उसका नाम भी कन्वर्ट टू सेंटीमीटर है, इसका भी यही आइडेंटिफायर है, इसको भी एक वेरिएबल पास हो रहा है जिसकी डेटा टाइप तो रियल है पर उसका वेरिएबल का नाम क्या है, इंचेस। और आप यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रोसीजर के अंदर हम कोई रिटर्न का लफ्ज नहीं यूज़ कर रहे, यहाँ पे हम सिर्फ कोई आउटपुट करवा रहे हैं पर रिटर्न का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हो रहा। तो ये एक खास डिफरेंस है, फंक्शन में हमेशा आपको रिटर्न का लफ्ज लिखा नजर आएगा और प्रोसीजर में आपको रिटर्न का लफ्ज लिखा नजर नहीं आएगा। तो प्रोसीजर प्रोसीजर के कीवर्ड से स्टार्ट होता है, एंड प्रोसीजर के कीवर्ड पे ख़त्म होता है, ये प्रोसीजर का एक नाम होता है जो इस केस में कन्वर्ट टू सेंटीमीटर है, और ये इंचेस जो है हमारा पैरामीटर है, एक वैल्यू है जो इस प्रोसीजर को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। देखिए ये एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, ये फंक्शन है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ कि ये किस किस्म की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये फंक्शन बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये बेसिक डेफिनेशन है। ये जो फंक्शन का हेडर है, ये जो पहली लाइन है, ये फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि ये फंक्शन का नाम एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, इसमें दो वेरिएबल्स यूज होंगे, एक हाइट और एक वेट, ये दोनों हमारे पैरामीटर्स हैं। तो इस वाले फंक्शन में हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, जो हमने अभी पहले एक फंक्शन देखा था उसके अंदर एक पैरामीटर था इंचेस के नाम से, इसके अंदर दो पैरामीटर है, एक हाइट और एक वेट, ये बेसिकली दोनों वेरिएबल्स हैं और दोनों की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। और इवेंचुअली ये फंक्शन कोई एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है जिसकी डेटा टाइप क्या होगी, वो जो वैल्यू रिटर्न हो रही होगी उसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, हम हाइट मल्टीप्लाइड बाय वेट, एक वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, ये वैल्यू जब कैलकुलेट होगी तो ये रिटर्न हो जाएगी। अब ये रिटर्न होके कैसे इस्तेमाल होती है ये हम बाद में देखते हैं, पर आपको ये बात समझ आ गई कि इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स हैं, एक हाइट और एक वेट, और इस फंक्शन का आइडेंटिफायर या इसका नाम जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अगर यही कोड हम एज प्रोसीजर लिखना चाहते तो फर्क क्या है, ये देखिए यहाँ पे मैंने गलती की हुई है, यहाँ पे रिटर्न्स रियल नहीं आएगा क्योंकि प्रोसीजर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो इसी सेम ये जो सेम हमारा मेथड है इसको हमने एज प्रोसीजर डिक्लेयर किया है, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोसीजर का नाम जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, इसको दो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, एक पैरामीटर हमारा ये वाला वेरिएबल हाइट है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है, दूसरा पैरामीटर हमारे पास ये वेरिएबल वेट है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है। और आप प्रोसीजर के अंदर देख सकते हैं क्या हो रहा है, हम पहले एक इंस्ट्रक्शन दी है जिसमें हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं हाइट इंटू वेट, और फिर हम उस एरिया को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रोसीजर है। अच्छा अभी तक मैंने आपको प्रोसीजर की जितनी एग्जाम्पल्स दी है उसमें कोई ना कोई प्रिंट स्टेटमेंट नजर आ रही है आपको, कहीं ना कहीं मैंने कोई प्रिंटिंग की हुई है
ये लाजमी नहीं है कि प्रोसीजर कोई प्रिंटिंग करे। देखिए उसके बाद ये वाली एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। इन दो एग्जांपल्स में हमने क्या किया है, हमने प्रोसीजर तो डिफाइन किया है, उसके अंदर सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है और वो एक ये जो मैसेज है इसको कॉपी पेस्ट करें, हेलो वर्ल्ड, आपने देखा डबल कोट्स में मैंने मैसेज लिखा हुआ है। इस प्रोसीजर को हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप प्रोसीजर लिखे उसको कोई भी पैरामीटर पास ना करो। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप एक फंक्शन लिखे, फंक्शन ने कोई वैल्यू रिटर्न कर दी, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, ये क्या रिटर्न कर रहा है, किस किस्म की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इस फंक्शन का नाम हेलो है, ये एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है और हम यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन में देख रहे हैं कि ये रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड, एक स्ट्रिंग वैल्यू है हेलो वर्ल्ड जो बेसिकली ये रिटर्न कर रहा है। तो फंक्शन में हमेशा रिटर्न का कीवर्ड नजर आएगा, फंक्शन का अपना एक नाम होगा, प्रोसीजर के अंदर कुछ भी हो सकता है पर रिटर्न कुछ नहीं कर रहा होता प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर हमने यहाँ पे प्रिंटिंग करवाई हुई है, तो विदाउट पैरामीटर्स या विद पैरामीटर्स भी आपको फंक्शंस और प्रोसीजर्स नजर आएंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम ये जो हमने एक प्रोसीजर लिखा होता है, और सॉरी इसमें ये रिटर्न नहीं होना चाहिए, ये तो प्रोसीजर है। तो हम जो हमने एक प्रोसीजर जो लिखा है उसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, बेसिकली ये हमारा मेन कोड होता है, ये हमारा मेन कोड होता है और आपका जो सीपीयू है, आपका जो प्रोसेसर है, उसने ये कोड एग्जीक्यूट करना होता है। तो देखते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले प्रोसेसर ये प्रिंट करेगा इनपुट हाइट ऑफ रेक्टेंगल, उसके बाद हम एक इनपुट ले रहे हैं जो इस वेरिएबल एज के अंदर स्टोर कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद हमने दोबारा एक मैसेज का है, प्रिंट करेगा प्रोसेसर इनपुट वेट ऑफ रेक्टेंगल, तो ये मैसेज कॉपी पेस्ट हो जाएगा, आपको स्क्रीन पे नजर आएगा इनपुट वेट ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं, इसको मुझे वेट ऑफ रेक्टेंगल नहीं लिखना चाहिए था, इसको मुझे विथ ऑफ रेक्टेंगल लिखना चाहिए था, ओके इनपुट विथ ऑफ रेक्टेंगल। और वो हम जो इनपुट करवा रहे हैं वो हम इस वेरिएबल w में करवा रहे हैं, तो एक मेमोरी लोकेशन w के नाम से होगी। और उसके बाद हमने क्या कहा है, हमने अपने सीपीयू को कहा है कि हम कॉल करना चाह रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नाम से बने हुए प्रोसीजर को। तो ये प्रोसीजर हमने ये नीचे लिखा हुआ है और हम साथ में उसको ये कहना चाह रहे हैं कि इस प्रोसीजर को हम ये दो वैल्यूज पास करना चाह रहे हैं, h और w की। ये जो h है ना, ये जो हमारा पहला वेरिएबल है वो इस हाइट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और ये जो दूसरा वेरिएबल है ये वेट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपने जो भी लिखा होगा, पहली वैल्यू जो भी होगी, पहला वेरिएबल जो भी होगा, वो किसको मिल जाएगा, हाइट को, और दूसरा वेरिएबल किसको मिल जाएगा, वेट को मिल जाएगा। तो जब ये कॉल होगी तो क्या होगा, यहाँ से आपका सीपीयू इस जगह पे आ जाएगा और इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेगा, ऐसे ही होगा। अब देखिए इस कोड को आप डिफरेंटली कैसे कर सकते थे। अच्छा एक कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे हम जो है देखिए, हमने हाइट ऑफ रेक्टेंगल के लिए एक मैसेज यूजर को शो किया है, उसके बाद हमने जो इनपुट करवाई है वो वेरिएबल एक्स में करवा लिए, और यहाँ पे हमने जो इनपुट करवाई है ये मैं डब्ल्यू नहीं, यहाँ पे मैं वाई लिखना चाहता था। यहाँ पे हमने फिर एक मैसेज शो किया है कि इनपुट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, और यहाँ पे फिर हमने इनपुट स्टेटमेंट में जो इनपुट करवाई है वो वेरिएबल वाई में करवा दिए। अब जो हमने कॉल किया अपना प्रोसीजर, तो हमने उसको एक्स और वाई पास कर दिया, तो अब की बार क्या होगा, ये जो पहली वाली वैल्यू है ये पहले वेरिएबल को मिल जाएगी, ये जो दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू है ये इस वेरिएबल दूसरे वाले वेरिएबल को मिल जाएगी। तो x हाइट को मिल जाएगा और y की वैल्यू वेट को मिल जाएगी। और यहाँ पे फिर से ये रिटर्न्स क्यों मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये एक प्रोसीजर है तो इसमें रिटर्न नहीं लिखा होगा। तो क्या ऐसे भी हो सकता है कि हमारा यहाँ के ऊपर ये हमारा मेन कोड है, ये बेसिकली सीपीयू ने ये एग्जीक्यूट करना है और हमने मेन कोड में किया क्या हुआ है, हमने यहाँ से सिर्फ एक कॉल प्लेस की हुई है, और कॉल किसको कर रहे हैं, हम इस प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं जिसका आइडेंटिफायर या जिसका नाम एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। और अब की बार हम इसको यहाँ पे हमने एक्स या वाई वेरिएबल्स के नाम नहीं लिखे बल्कि डायरेक्ट वैल्यूज लिख दी है 10 और 20। तो अब क्या होगा, इस तरह भी अब यहाँ से कंप्यूटर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जब वो आएगा वो पहला जो आपका पैरामीटर है हाइट वाला उसको कौन सी वैल्यू दे देगा 10 की, और जो दूसरा पैरामीटर है वेट वाला उसको कौन सी वैल्यू दे देगा 20 की। तो फिर वो क्या करेगा, एरिया हाइट इंटू वेट 10 इंटू 20 200 हो जाएगा, और फाइनली वो स्क्रीन पे 200 की वैल्यू प्रिंट कर देगा, राइट, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपको 200 लिखा नजर आएगा।
तो इस तरह भी हो सकता है। तो ये प्रोसीजर आपने डिफाइन किया होता है, ये आपने डिफाइन किया होता है, और अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो जो आपका मेन कोड लिखा होता है उसके अंदर से आपको इसको कॉल रिप्लेस करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे अब की बात जो है, मैंने एक फंक्शन जो है, ये आपने देखा है, ये फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है लाइन नंबर 20 से लाइन नंबर 22 है। मैंने बेसिकली यहाँ पे लाइन नंबरिंग वैसे ही इंट्रोड्यूस कर दी है ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 6 तक जो है, ये हमारा मेन कोड है, ये सीपीयू ने एग्जीक्यूट करना है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे पहले सीपीयू इंस्ट्रक्शन नंबर 1 को एग्जीक्यूट करेगा, कुछ प्रिंटिंग करेगा स्क्रीन के ऊपर। बेसिकली हम कह रहे हैं कि यूजर को कह रहे हैं कि एंटर करो हाइट ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद हमने इनपुट ले लिया, वो नम 1 में स्टोर हो जाएगी हमारे वेरिएबल नम 1 में। उसके बाद फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट है जो सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इनपुट एंटर करने का हम उसे कह रहे हैं, ये मैसेज स्क्रीन पे शो होगा, और फिर हम इनपुट करवा रहे हैं अपने वेरिएबल नम 2 में। और यहाँ पे ओके मैं मिस कर चुका हूँ, यहाँ पे जो हम कॉल प्लेस कर रहे हैं वो देखिए, हमने हमने थोड़ी सी डिफरेंट की है कॉल प्लेस। एक तो यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट्स डालना भूल गया था, यहाँ पे मुझे अपने दोनों वेरिएबल्स नम 1 और नम 2, बिकॉज ये दो वैल्यूज हम पास करना चाह रहे हैं। नम 1 बेसिकली हाइट को मिल जाएगी और नम 2 वेट को मिल जाएगा। तो ये जो दोनों वैल्यूज हमने इनपुट करवाई थी, ये हमने दोनों पास कर दिए यहाँ से, ये हमारे इन पैरामीटर्स को, हाइट और वेट, ये जो हमारे दो वेरिएबल्स बने हुए हैं। तो ये वेरिएबल्स, पर इनको फंक्शन की डेफिनेशन में हम इनको क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। ये तो नम 1 पैरामीटर हाइट को वाले पैरामीटर को मिल जाएगा और नम 2 वेट वाले पैरामीटर को मिल जाएगा। ओके, देखिए चूंकि ये फंक्शन है इसने कोई वैल्यू रिटर्न करनी थी, और ये हाइट और वेट को मल्टीप्लाई करके, लेट्स से नम 1 में हमने 5 इनपुट किया था और नम 2 में हमने 6 इनपुट किया था, तो हाइट को 5 की वैल्यू इवेंचुअली मिल जाएगी, वेट को 6 की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर क्या होगा। और यहाँ पे फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिर हम ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, यहाँ पे पहले ये वैल्यू, ये वाली इक्वेशन कैलकुलेट हो रही है, हाइट इंटू वेट, बेसिकली 5 इंटू 6, ये वैल्यू 30 आएगी। अब ये 30 की वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो रही है, अब रिटर्न किधर होगी, आप देखें हमने कौन सी लाइन पे कॉल प्लेस की थी, लाइन नंबर 5 पे। लाइन नंबर 5 पे जब हमने ये कॉल प्लेस की थी तो यहाँ से कंट्रोल किधर ट्रांसफर हो गया था, लाइन नंबर 20 पे, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला फंक्शन तो इधर लिखा हुआ है। अब यही कह रहे हैं ना, कॉल करो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाले फंक्शन को। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाले फंक्शन पे जब आए तो फिर हमने ये, यहाँ पे हमें ये रिटर्न की स्टेटमेंट मिली, ये राइट साइड वाली इक्वेशन कैलकुलेट हुई, यहाँ पे 30 की वैल्यू आई। तो ये जो 30 की वैल्यू है ये रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन, ये वैल्यू यहाँ से रिटर्न होके कहाँ पे जाएगी, उसी लाइन पे जिधर कॉल प्लेस की थी, जिधर से कॉल प्लेस की थी। तो यहाँ पे बेसिकली जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ पे इस पूरे की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, 30 की वैल्यू आ जाएगी, और ये 30 की वैल्यू किसको मिल जाएगी, हमारे इस वेरिएबल माई एरिया को मिल जाएगी। तो माई एरिया को इस फंक्शन ने एक वैल्यू कैलकुलेट की, इस फंक्शन ने एक वैल्यू कैलकुलेट की और रिटर्न कर दी, और वो वैल्यू 30 थी। और उसके बाद हमने क्या किया, हमारा जो वेरिएबल माई एरिया है उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी, तो स्क्रीन पे आपको 30 प्रिंट हुआ हुआ नजर आएगा। आई होप आपको फंक्शन और प्रोसीजर का थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया।